नमस्कार, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अपडेट मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी। तो ये प्रोसेस आप न्यू परचेज के टाइम, जब आप न्यू परचेज बिल क्रिएट कर रहे हो उस टाइम आपको यहाँ पर सेव के पास में डाउन एरो की दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा सेव एंड सेट लोकेशन का। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपको मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी सेट कर लेनी है और ये सेव कर लेना है। दूसरा ऑप्शन, आपको इन्वेंट्री में जाना है। आपको जो भी प्रोडक्ट की मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी सेट करनी है वो प्रोडक्ट सर्च करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट का और यहाँ पर आपको मिलेगा मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी सेट करने का। तो आप यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो और ये सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर पूरी जो आपकी इन्वेंट्री की प्रोडक्ट है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको प्लस का बटन पर क्लिक करना है और आप सेट मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी कर सकते हो। ये बल्क में होगा। यहाँ पर जैसे कि ये प्रोडक्ट आपने क्वांटिटी सेट करी है वो 20 प्रोडक्ट पर अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक पॉपअप दिखेगा, उस पर लिखा हुआ 20 नंबर ऑफ आइटम विल बी अफेक्टेड, मतलब कि 20 प्रोडक्ट पर ये अफेक्ट करेगा। जैसे ही मैंने अपडेट कर लिया यहाँ पर 20 प्रोडक्ट पर अफेक्टेड हो गया। अगर आपको दूसरी प्रोडक्ट पर करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट पर जाके आप कर सकते हो। उसके बाद आप ये प्रोसेस अपने परचेस के लिस्टिंग पेज पर जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो परचेस बिल आपने एंटर किया था उस पर क्लिक करिए, आइटम सिलेक्ट कर लीजिए। मोर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड सेट लोकेशन। यहाँ पर आप मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद सेव कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पर आपके फार्मेसी के लोगो पर जाना है, प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर सर्विस एंड टूल पर जाना है, सेट मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ से सिस्टम पर मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी सेट कर सकते हो। तो यहाँ से पहले आपको एवरेज सेल के लिए डे सिलेक्ट कर लेना है कि जिससे कि सिस्टम कैलकुलेट कर पाए आपकी जो पूरी एवरेज सेल है, तो डे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप वीक सिलेक्ट कर दीजिए जिससे कि आपके कितने वीक का मैक्सिमम स्टॉक होना चाहिए, तो यहाँ पर वीक सिलेक्ट कर लीजिए। उसके लिए आप नेक्स्ट है, आपको मिनिमम स्टॉक के लिए आपको वीक सिलेक्ट करना है, वो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डू यू वांट टू ओवरराइट मिनिमम मैक्सिमम, मतलब कि आपने जो ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट पर मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी सेट की हुई है तो उसको आपको ओवरराइट करना है या नहीं करना है। तो वो यस नो का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक कर लीजिए। प्रोसेस बटन पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको कुछ अपडेट करना है या फिर कैंसिल करना है तो आप 11 बजे से पहले ये प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद आपकी ये पूरी ही सिस्टम पर, मतलब कि आपका जो स्टॉक है उस पर मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी का सेटिंग हो जाएगा। थैंक यू।